क्या बोले आप, जाओ तो दिक्कत ना जाओ तो दिक्कत। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, लव यू। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस अभी क्या है ना कि बस हम लोग अभी सोच रहे थे कि निकलने के लिए, तो अभी सब कुछ ठीक लग रहा है और अभी हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से। सारा सामान जो है पैक हो गया है, रंजना भी रेडी हो चुकी है और हम लोग कहाँ जाने वाले हैं वो आप लोगों को वीडियो में देखने को मिल जाएगा। क्योंकि हम लोग पहले पहले लोकेशन इसलिए भी नहीं बताते हैं ना कि जैसे पता चल जाता है स्ट्रेंजर को भी कि हाँ हम लोग उस रूट से या इस जगह जा रहे हैं। तो बस आप लोगों को बस बता देते हैं कि हम लोग निकलने वाले हैं इस घर से, हम लोगों का फाइनली विदाई होने वाला है। और रहा सवाल हम लोग डॉक्टर के पास जाने का, तो वो कुछ दिन बाद आप लोग को पता चल ही जाएगा। पर एक और खुशखबरी ये है, नहीं तो अभी रहने देते हैं ना। रंजना भी यहाँ पर रेडी हो चुकी है और कुछ ऐसा ड्रेस है, तो हम लोग निकलने वाले हैं। तो आप लोग भी हमारे साथ चलिए। और आप लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते और खुश रहिए। तो सामान जो है हम लोगों का पैक हो चुका है, वैसे भी पैक ही था, बस थोड़ा बहुत सामान निकला हुआ था जो कि अब हम उसको जाके रख देते हैं। तो चलिए आप लोग हमारे साथ, और राधे राधे जय श्री कृष्ण। आप लोग हमारा वीडियो में खूब सारा प्यार दीजिएगा। तो कभी भी आ जाता है वो लोग घर के अंदर भी ना, हैदराबाद में कभी बंद करके रखना पड़ता है। बहुत तो गाइस यहाँ पे हम लोग ऊपर रंजना जो है ना पूरी तरह से फंस चुकी है। आ जाओ जल्दी, सामान छोड़ो बाद में करना। जल्दी आओ, सामान बाद में ले जाएंगे, छोड़ दो। जल्दी आओ, कितना लेकर चलते हैं। अरे आ जाएगा यार सामान, बहुत सारा था सब। हाँ, वो ठंडे जाते हैं। आप लोगों को एक सच्चाई बता देते हैं ना कि मतलब इतना ज्यादा हम भी डर गए थे और ये भी डर गई थी। ये क्यों डरी थी इसका पहले ये बता देना दीजिए, और हम क्यों डरे थे वो हम बताएंगे, क्योंकि हम लोग के साथ ऐसा कभी हुआ नहीं था, पर खतरनाक था। उस दिन भी आपके साथ हुआ, आज भी फिर मेरे साथ हो गया, आपके साथ भी हो गया मेरे। तो बताओ कैसे क्या हुआ था। पहले तो हम ऊपर थे, आप नीचे आ गए थे, मैं ऊपर थी, तो मैं सोची थी कि सामान जल्दी जल्दी रख लेती हूँ और आप तब तक ट्रॉली नीचे। आज वाला नहीं, उस दिन का बताओ पहले। उस दिन का तो बाप रे, मेरा तो अभी भी मेरा एकदम रोंगटा खड़ा हो जा रहा है। मैं ना जैसी आंटी आई थी, ठीक है, तो हम दोनों नीचे ही बैठे हुए थे, तो दूध वाले आए, तो आंटी बोली कि रंजना दूध ले लो, दूध लेकर रख दो घर में। तो मैं क्या की ना कि दूध ले ली, और उसके बाद क्या की हम बोले कि चलो जब रख देंगे तो इससे अच्छा मैं गैस पे चढ़ा दे रही हूँ, गर्म भी हो जाएगा और फिर हम लोग बैठे हुए रहेंगे, अपना काम भी हो जाएगा। तो यहाँ बैठे हुए थे और दूध चढ़ा दी मैं, फिर यहाँ आकर मैं बैठ गई। फिर आप बोले कि रंजना चलो ऊपर, तो हम लोग चले गए ऊपर।
जैसे ही मैं ऊपर जा रही हूँ वैसे ही मुझे ध्यान ये कह रही है मैं तो गैस पर दूध चढ़ा कर भूल गई हूँ। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मैं दूध चढ़ा देती हूँ और भूल जाती हूँ। तो ऊपर गए, फिर मैं नीचे आई और देखी तो दूध थोड़ा गैस पर गिर गया हुआ था। तो फिर मैं क्या की, उसको मैं बोली कि चलो आंटी नहीं जल्दी से मैं क्लीन कर दे रही हूँ। तो मैं पीछे घूम कर क्लीन कर कर मैं बेसिन में क्या कर रही थी, धो रही थी कपड़ा वाला जो दूध पोछे थे। अब क्या किए, मेरे पीछे बंदर आ गया था, मेरे पीछे बंदर आ गया था। मैं देखी मैं तो पूरा डर गई, और वो दांत पूरा ऐसे ऐसे किटकिटा रहा था। मैं तो बोली कि अरे बापरे, मैं क्या कि किचन का गेट पहले लॉक कर दी फिर मैं ऐसे खोल कर ऐसे धीरे धीरे वो लग रही हूँ। फिर भी वहीं पे सामने एकदम दांत किटकिटा रहा है। फिर ऊपर फ्रिज के ऊपर केला रखा हुआ था। फिर हम बोले कि अरे ये तो जा नहीं रहा है। मैं बोली कि भागो, तो वो नहीं जा रहा था। फिर हम क्या किए, जो छोलनी होता है हमारे साइड में छोलनी बोलते हैं, तो क्या कि छोलनी उठाई मैं और उसको एक ऐसे की ना, तब तक क्या किया फ्रिज से लेकर केला और जल्दी से भाग गया। मैं डर कराई और उसके बाद फिर बोले कि बापरे, पूरा एकदम मेरा धक धक होने लगा। मैं पूरा एकदम रोने रोने टाइप का हो गया, कोई घर में था नहीं। उसको पूरा आइडिया है कि कैसे दरवाजा खुलता है कैसे बंद होता है। अरे दरवाजा खुलने का बात नहीं है, मैं ना देखी ना, तुम अचानक से कोई नहीं होता देखता है, मैं अचानक से देखी उसको। फिर पूरा एकदम पूरा मेरे ऊपर एकदम दांत किटकिटे होकर पड़ा था, मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी। और वहीं पे उसी दिन जो है ना ऊपर हम सोए हुए थे, मेरे साथ क्या हुआ हम आप लोगों को बताते हैं, रुकिए। तो गाइस उस दिन क्या हुआ ना, उस दिन क्या मतलब कल ही जब हम सोए हुए थे तो अचानक से मतलब थोड़ा थके हुए थे तो सोए हुए थे, ऐसे ही सोच रहे थे क्या करें क्या नहीं। तो क्या हुआ ना कि एकदम जैसे दरवाज़ा वो खोला तो हमको लगा कि हवा से हिल रहा होगा। फिर धीरे धीरे करके वो जो लाल वाला नहीं होता है बंदरवा, वही बंदर था। और वो छोटा 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 सा देखने में था लेकिन मजबूत था थोड़ा। तो धीरे धीरे करके स्लोली स्लोली अंदर जा रहा था। तो हम सोए हुए थे ऐसे करके, जब हम देखे तो मेरा तो हालत ख़राब कि रूम में हम और एक वो दो बंदर आमने सामने। अब हमको लगा कि हम उसको बचे कैसे। तो हमारे सामने एक रिंग लाइट था, उसको उठा लिए, उसको उठाए तो वो भी खड़ा हो गया और हम भी रिंग लाइट, तो हमारे रिंग लाइट से काम नहीं चलेगा। फिर थोड़ा देखे क्या करे तब उठाए चेयर। जब चेयर उठाए तो झोला खोला, उसमें से सामान निकालने का कोशिश कर रहा था। और हम क्या किए कि चेयर को बजाने लगे इधर से उधर। तो वो डर गया मेरे से, पहले तो हम डर रहे थे फिर वो डर गया। और उसके बाद से क्या हुआ कि फटाक से करके गेट खोल के भागा। जब भागा तो हम भी उसके पीछे पीछे भागे, उसको मारने के लिए नहीं, गेट बंद करने के लिए, कहीं अपना सेना लेके मत आ जाए उधर से। तो ये कहानी था, बहुत ज़्यादा डर गए थे। तो ये कुछ यादें होती है जो कि हम लोग यहाँ से लेके जा रहे हैं। वैसे बहुत सारा चीज़ जो है यहाँ पे अभी हम लोग मिस करेंगे सब चीज़। तो आज हम लोग जा रहे हैं, निकल रहे हैं फाइनली। अब हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ 3 से 4-5 मिनट है, अब निकलेंगे। तो आप लोग बने रहिए वीडियो पे। कैसा लगा ये पूरा वीडियो कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए थैंक यू। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं लोग, विदाई समारोह स्टार्ट हो चुका है और पहले ही मना किया गया था इस सब चीज से। नहीं क्यों, हम आप लोग पहले आए थे ना तो हमने आपको मिठाई नहीं दी थी, पता है आगरा की फेमस मिठाई, तो ये बहुत जरूरी था। और पूरे रास्ते एकदम दबा के खाते हुए जाइएगा, मजा आ जाएगा। आगरा को कभी जिंदगी में भूल भी नहीं पाओगे। ये है पेठा, हमको यहाँ का सुने हैं। देखिए ये पेठा है, ये केसरी, क्या कौन सा मम्मी, ये केसर पेठा है, ये वो है एक एक करके सोन पापड़ी है ना, और ये सोन पापड़ी, और ये सीव, ये यहाँ का फेमस दाल मोट है, दाल मोट, और ये है मिक्स पेठा, इसमें वो सारे तरह के पेठे, ये है चॉकलेट है, अलग अलग तरह के। मम्मी को ज्यादा नॉलेज है, मुझे इतना नॉलेज नहीं है। तो ये सब जो है पति देव ने बोला कि उनके लिए स्पेशल मिठाई लेके जाना है ना, तो उन्होंने डिसाइड, उन्होंने मुझे नाम बता दिया था, पंछी भेटा की जो ओरिजिनल शॉप है वो बता दी थी, तो वहाँ से लेके आई। नहीं उधर ताजमहल वाली साइड पर, तो आप उधर से ले गई? हाँ मैं उधर से लेके आई।
क्योंकि ना इनका कहना ये है जो भी दो ओरिजिनल दो, नकली नहीं देना है और जिसको भी देना है क्वालिटी वाली चीज दो। मेरे हस्बैंड और मम्मी की यही क्वालिटी है बेस्ट, अच्छा दो वरना दो ही मत। पर ये आप हटा लीजिए, नहीं काय हटा लीजिए, जिम्मी मम्मी का प्यार है तो गाइस अभी आप लोगों को मैं बताया था कि राखी का जो गिफ्ट था वो अभी मैं दिया नहीं हूँ, आज वो भी मैं दे दे रहा हूँ और अब हम लोग निकलने वाले हैं। अब हम लोगों ने जो है जाने का समय हो चुका है, हम लोगों को पक्का भाभी पक्का। मैंने तो बोला था भैया ब्रेकफास्ट में क्या खाया था वैसे ब्रेकफास्ट। तो गाइस यहाँ पे जा रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा डर ही लगता है यहाँ पे, कहीं ना कहीं सब सेना लेके बैठा रहता है ऐसा, इससे तो एक हम अलग ही डर जा रहे हैं। तो हम लोग नीचे तो मैं रख दिया हूँ बस थोड़ा बहुत जो है बैग, मैं एक ये उठा लूँगा एक तुम वो उठा लो। चलो बुलावा आया है माता ने, जोर से बोलो चलो बुलावा। नहीं आपको नहीं रखना था। बैठा के थोड़ी खिलाएंगे बच्चे के जैसा कपड़ा यहाँ बांध के। हैप्पी जर्नी, अच्छे से जाना, फिर से आना, हम लोग वेट करेंगे। ये सब मत किया नंद के तो पैर छूते हैं। ठीक है नमस्ते आंटी, जरूर 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 आएंगे। तो हमारी गाड़ी रेडी हो चुकी है और यहाँ पे आंटी हम लोगों को कुछ गिफ्ट दी है। ये पता है हम लोग कैसे थे जब हम लोग आ रहे थे तो मतलब हम मिलके देखे जा रहे एक अंकल आरती थी हम लोग के साथ जा रही हैं घूमने के लिए। हाँ, नहीं जी ये उतर जाएंगे अपना ऑफिस का बिल्डिंग। आ गई हूँ लेकिन अब आपकी बारी है बिहार आने की। आई थी बेची रोज हमारे घर पे। बाय बाय। तो गाइस इस वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म, लेकिन एक चीज़ आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि कितना ज़्यादा अच्छा लगा ना यहाँ पे और इतना ज़्यादा मानते हैं। बहुत सारा सामान हम लोगों को मतलब जैसे मिठाई होता है ना खाने के लिए मिला, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। और जल्दी जल्दी मैं जितना भी जल्दी हो सकता था उतना जल्दी मैं बोला कि दीदी हम लोग जा रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है मतलब इतना ज़्यादा मानती हैं। और मैंने राखी से पहले उनको एक गिफ्ट भी दिया। तो सब कुछ देखा जाए बहुत ज़्यादा याद हम लोग यहाँ से लेके जा रहे हैं, हंसी मजाक सब कुछ हम लोग। तो एक ऐसा लगता है ना कि हाँ चलो एक अनजान से शहर में आज यूट्यूब के बदौलत जो है कि हाँ हम लोग को कोई पहचान रहा है या कोई जानता है या इतना ज़्यादा प्यार देता है, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद है। पूरा सामान जो है हम लोग का पूरा पैक हो चुका है और हम और रंजना यहाँ बैठे हुए हैं। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म और बस यही बोलेंगे भोलेनाथ उनका जो मनोकामना है और हम लोगों के पास भी एक बहुत बड़ा खुशखबरी है, लेकिन खुशखबरी रंजना को लेके ही है। तो देखते हैं कि अब उसका क्या होगा क्या नहीं। बस वीडियो को ख़त्म करते हैं और अभी हम लोग निकल चुके हैं कहाँ के लिए तो आप लोगों को पता चलेगा धीरे धीरे। लव यू, अपने छोटे भाई को खूब सारा प्यार दीजिएगा। बहुत लोगों का कमेंट ये भी आ रहा है कि घर तुम क्यों जा रहे हो अभी, अब घर जाके क्या करोगे, तो क्या बोलें आप, जाओ तो दिक्कत ना जाओ तो दिक्कत।
ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, लव यू।